फैमिली वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ विशाली, सब लोग का स्वागत करती हूँ विशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सो फटाफट से छोटा मोटा स्नैक या थोड़ी सी गज्जक लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा, होने वाली है डिटेल डिस्कशन। और आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ बहुत सारे बॉटम वेयर, लाइक 14 टू 15 बॉटम्स होने वाले हैं जो कि मेरे फेवरेट हैं और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ आजकल के टाइम पर। सो बॉटम वेयर एक ऐसी चीज़ है बहुत जल्दी ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिससे हमारी लुक पूरी ख़राब हो जाती है और फिर ना मन में वो सेटिस्फैक्शन भी नहीं रहता। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैक्सिमम और बहुत ही वर्सेटाइल आपके साथ बॉटम्स शेयर करूं जो आपके लिए इन फ्यूचर लंबे टाइम तक हेल्पफुल रहे। मैं बॉटम वेयर्स की ऑलरेडी 2 या 3 सीरीज़ में बना चुकी हूँ वीडियोस, कोशिश करूँगी उनको भी लिंक कर दूँ, अदरवाइज़ थोड़ा सा मेरे चैनल पर स्क्रॉल कर लो, थोड़ा सा टाइम लगा लो, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हॉल पैक का लिंक है जहाँ पर ये सारी आउटफिट सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, परचेज लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए पहला जो बॉटम मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद वेरी बेसिक स्टाइल, फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड वाइट पैंट, मतलब ये स्ट्रेट पैंट मिलता है आपको, स्ट्रेट भी नहीं बोलूँगी और बहुत ज़्यादा टेपर्ड नहीं बोलूँगी क्योंकि नीचे से ना बहुत ज़्यादा नैरो नहीं है। इसकी एक खासियत क्या है, इसका फैब्रिक बहुत ही कमाल का है, लीवा सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है। अगर क्रश होता है ना, जब आप खड़े कहीं बैठते हो, हल्का सा क्रश हुआ, जब आप खड़े होते हो ना, ये अपने आप सीधा भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये इस टाइप का फैब्रिक रहता है। साइड पर पूरी क्रोशिया की यहाँ पर आप लेस देखोगे। आप सिंपल कुर्ती पहनते हो ना, साइड के स्लिट से हल्का सा ये वाला जब नज़र आता है पार्ट, वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। नीचे की तरफ बॉटम पे भी क्रोशिया वाली पूरी लेस दी हुई है। अब अगर आप इसके साथ कोई टॉप क्लब करते हो तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा, कोई क्रॉप टॉप पहनते हो तब भी बहुत कंफर्टेबल है, फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड के साथ है। सो ट्राई कीजिएगा। ट्रायल मैं सबके साइट पर दे रही हूँ और मैक्सिमम चीज़ें जो भी मैंने स्टाइल की है वो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में और प्राइजेज आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मूविंग टू द नेक्स्ट लुक, अब ना मेटालिक स्कर्ट्स किन किन को पसंद है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और प्लीटेड वाली, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड आ रखा है ना प्लीटेड स्कर्ट का, तो मैं ढूंढती रहती हूँ कुछ अलग मिल जाए। तो प्लीटेड स्कर्ट में मुझे मिला मेटालिक स्कर्ट और वो भी इतने प्रिटी कलर में। आप सबसे पहले कलर देख लो, इतना ब्यूटीफुल रोज गोल्ड टाइप का शेड है एंड इस पर इतनी खूबसूरत प्लीटिंग है। स्ट्रेट प्लीट्स तो आपने बहुत देखी होगी, नीचे की तरफ देखो प्लीट्स का डिज़ाइन लुक, यहाँ पर ना एक पैटर्न है डिफरेंट, थोड़ा एरो एरो टाइप का, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर मैं दिखाऊं घेरा कितना है, घेरा बहुत बड़ा है स्कर्ट का। एक्चुअली ये वो प्लीटेड वाला फैब्रिक है ना, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेट सी लुक आती है, बहुत ही स्मार्ट वाली। इसके साथ कोई सा भी क्रॉप टॉप आप पहन लो, टैंक टॉप पहन लो, उसके ऊपर ब्लेजर डाल लो, तो अभी अगर कोई पार्टी अटेंड करनी है दिसंबर में आपने, गो फॉर इट। अगर बर्थडे है, एनिवर्सरी है, इस टाइप का स्कर्ट पहन लो जो कि बहुत डिसेंट लेंथ के साथ है। मेरी हाइट 5'2" है, इसके साथ आप बूट क्लब कर सकते हो या फिर हाई हील ब्लॉक हील्स पहन सकते हो, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लगने वाली है। ओवरकोट के साथ पहनो, टैंक टॉप ऐड कर लो। मेरे साथ पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना, इसमें से कोई भी बॉटम आप ट्राई करते हो, कोई भी लुक क्रिएट करते हो, आई वुड लव टू शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम। मैं स्टोरीज में शेयर करूँगी, बस मुझे टैग कर देना, @MitraVishali इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, और लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे पता है इंस्टाग्राम तो सभी लोग यूज़ करते हैं, मतलब रील्स देखना किसको नहीं पसंद, तो फटाफट से वहीं सर्च बार में मेरा नाम डालिए, सर्च कीजिए, प्रोफाइल पर आ जाइए और मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गिव अवेज भी आने वाले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट बॉटम, अब अच्छे बॉटम हैं तो कुछ ख़राब बॉटम भी हाथ लगते हैं। इस वाले बॉटम को मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करना चाहूँगी। सेमी इलास्टिक बैंड है, इसका फैब्रिक मुझे समझ में ही नहीं आया, स्लब कॉटन है बट बहुत ही खड़ा खड़ा। मैं आपको ऐसे भी पैंट पकड़ लूँगी तो बिल्कुल एकदम ऐसे कर दूँगी, खड़ा खड़ा रहेगा, तो इसका फैब्रिक बहुत खड़ा खड़ा सा है। और नीचे की तरफ ना, हालाँकि मैंने ना इस लेस वर्क की वजह से इसको ऑर्डर किया था, बट पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, सो ये तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करने वाली। सो ये गया, अब चलते हैं दूसरे बॉटम की तरफ। नेक्स्ट बॉटम में गो कलर्स ब्रांड से ये ब्यूटीफुल प्लाजो, इसकी क्वालिटी ओ माई गॉड। मेरा साइज है इसमें L, इसमें ना यूजुअली जो साइज आते हैं ना
एल एक्सेल, एक्सेल डबल एक्सेल, मीडियम टू लार्ज, ये लोग ऐसे साइजेस ही प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे ना लायरा फैब्रिक होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है। इस तरीके से बैंड मिलेगा आपको। इसका जो ड्रॉ स्ट्रिंग है वो अंदर की तरफ दिया है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सामने की तरफ कई बार वो अच्छा नहीं लगता, बल्ज सा आ जाता है। एंड नीचे इसका ना स्ट्रेट है, बट इसकी फैब्रिक की वजह से ये इतना फ्लोई फील दे रहा था ना। क्रॉप टॉप्स के साथ आप इसको आराम से पहन सकते हो और ये इतना कंफर्टेबल है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका स्ट्रेच, ये देखो इतना स्ट्रेचेबल फैब्रिक है। जिनको कई बार ऐसा होता है लोअर बैक हैवी है या फिर आपका लोअर टमी अराउंड एरिया हैवी होता है, वहाँ पर कोई भी आउट आप बॉटम पहनते हो वो चढ़ता ही नहीं है, या उस जगह से इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल टाइट हो जाता है, आप बैठते हो तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, उन लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन बहुत ही कमाल का है। प्लाजो इतना बढ़िया है और यहाँ से ये देख लो इसका स्ट्रेच, इतना खूबसूरत फैब्रिक है। इसको जब मैं पहन रही थी मेरा मन कर रहा था डांस करूं और मैं इसको नहीं उतारूं, इसका फैब्रिक इतना सही है। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है जो मैं आपको परचेज लिंक दूंगी, वहां पे आप टैप करेंगे, बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको एक ही लिंक पर मिल जाएंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट बॉटम, बट मैं आपको एक टॉप भी शेयर कर दूं जो मोस्टली आज के वीडियो में मैंने सभी बॉटम्स के साथ टॉप पेयर किया है। मेरा रीसेंट फेवरेट जो अमेजोन से मुझे मिला, राउंड नेक लाइन में ये ब्यूटीफुल क्रोशिया टॉप। अब ये ना आप एज अ क्रॉप टॉप और इस तरीके से पहन सकते हो, डेनिम्स के साथ भी पहन सकते हो आराम से, प्लस इसको आप साड़ीज के साथ क्लब कर सकते हो एज अ ब्लाउज। ये बहुत सुंदर है। नीचे की तरफ स्लीव्स पर इतना ब्यूटीफुल कटिंग वाला डिज़ाइन था, यहाँ पर पूरा मेश और ये कॉटन वाला, मतलब एक तो वो शाइनी फैब्रिक होता है ना, ये वो नहीं है, बिल्कुल कॉटन जो क्रोशिया वाली होती है ना लेस, वो पूरा टॉप इसका ऐसा है। और इसके अंदर ना मैंने एक्चुअली मैं न्यूड ब्रा पहनी हुई है, आप चाहे तो ब्लैक वाले के लिए भी जा सकते हो, बट आई प्रेफर कि न्यूड वाला पहन के ना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने दोनों ही ट्राई किए थे बट न्यूड वाला मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक भी पेयर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर है ये। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बॉटम पे। नेक्स्ट बॉटम है प्लस साइज ब्रांड से, तो इसमें आपको जितने भी प्लस साइज वाले लोग हैं ना उनको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कलर ऑप्शन भी है, इट्स लेगिंग, लेगिंग कम टेपर्ड पैंट। टेपर्ड पैंट मतलब उतना ब्रॉड तो नहीं है इसका बॉटम, बट लेगिंग जितना इतना एकदम चिपक भी नहीं जाता, हल्का सा स्ट्रेट रहता है, बहुत अच्छा वाला फिट है। फुल्ली इलास्टिकेटेड पैंट मिलता है, फ्रंट पर आपको एक पॉकेट मिलती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं और साइजेस तो इसमें मैक्सिमम अवेलेबल ही हैं, देखिए रेड कलर में। और सबसे बड़ी चीज़ इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इसमें भी स्ट्रेच बहुत अच्छा है और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मैं 100% रेकमेंड करूँगी ये वाली लेगिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, इतनी लेगिंग्स खरीद चुके हैं, तो आप एक बार इसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लार्जर साइज़ में प्लस साइज़ के लोगों के लिए ना बॉटम्स मिलना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, तो ये अच्छी क्वालिटी की आप ट्राई कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बॉटम पे मूव करते हैं। मुझे लग रहा है इतने सारे बॉटम ट्राई करते करते मैं इस वाले बॉटम का ट्रायल करना भूल गई हूँ, सो आई थिंक इसका ट्रायल मैं आपको नहीं दे पाऊँगी, बट बॉटम बहुत अच्छा है। इसका जो फैब्रिक है ये जॉर्जेट फैब्रिक है, फुल्ली इलास्टिकेटेड ब्रॉड बैंड है, और इसके ऊपर ना ये जो गोल्डन गोल्डन पोल्का डॉट्स देख रहे हो ना, जो फैब्रिक के अंदर सेल्फ फैब्रिक में एक डॉटेड फैब्रिक भी आता है, आपको आइडिया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इस तरीके से कलियों वाला फ्लैट प्लाजो है ये, इसके अंदर आपको कोई लाइनिंग नहीं मिल रही है, बट लुक एट द शाइन। वेडिंग्स हैं, कोई टॉप आपने ऐसा पहना है या फिर किसी लहंगे या किसी सी ड्रेस का टॉप है, बट बॉटम आप वो एकदम लहंगा घेर वेर नहीं चाहते, ये वाला प्लाजो आप ट्राई कर सकते हो। देखो डिफरेंट एकदम शेड है, प्लस इतना ब्यूटीफुल शाइन कर रहा है, फ्रंट और बैक पूरा ही फैब्रिक इस तरीके से ना डॉटेड है, पोल्का डॉटेड, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। क्रॉप टॉप्स के साथ भी काफ़ी अच्छा जाएगा, कुर्तीज़ के साथ बहुत अच्छा जाएगा, सो ट्राई कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले लुक पर। मैं इतनी जल्दी जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कहीं आप टाइम देख के ना फटाफट स्किप ना करो, सो वीडियो को पूरा देख लिया करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके। और नीचे सब्सक्राइब का बटन अगर रेड बड़ा है, क्यों बड़ा है भाई, फ्री का काम है, 2 सेकंड में जाना है, सब्सक्राइब करो और बेल बटन को हिट कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करो ना सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आए, प्रोडक्ट स्टॉक आउट होने से बच जाए। और छोटा सा एक ये वाला लाइक बटन दबा के जाना। चलिए
नेक्स्ट स्कर्ट, आजकल मुझे स्कर्ट्स का इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है कि मैं एक्सप्लोर करती जा रही हूँ. अगेन प्लीटेड फैब्रिक का स्कर्ट फुल्ली इलास्टिकेटेड बैंड के साथ, बैंड ना इसका काफ़ी ब्रॉड है, आप देख रहे होगे ध्यान से ना, प्लीटिंग फैब्रिक है और नीचे की तरफ से ना कुछ इस तरीके से दिखता है. इसी का रिसेंटली मैंने ब्लू कलर आपके साथ शेयर किया था, जो कि मैं लेकर भी बैठी हुई हूँ. ये देखो ब्राइट पिकॉक ब्लू कलर. सो इसको जब मैंने ट्राई किया था ना, इसका फैब्रिक, इसकी फिटिंग, इसकी लेंथ, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माई चॉइस और टेस्ट. तो जैसे ही मैंने इसको ऑर्डर करके मैंने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था, उसके बाद मैंने झट से इसका ब्लैक कलर भी ऑर्डर कर दिया. तो आप खुद देख सकते हैं कि एक वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ दो कलर्स शेयर कर दिए. अब देखो ब्लैक वाला ना जो टॉप मैंने अभी आपको दिखाया, उसके साथ मैंने ये वाला स्कर्ट क्लब किया है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है इसके साथ ना पूरा कॉम्बो. आप चाहें तो कोई एक बेल्ट ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी लुक बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छे से हुप्स पहन लीजिए, बूट्स ले लीजिए या हील्स पहन लीजिए, टोटल ऑल ओवर ब्लैक ब्यूटिफुल लुक रेडी हो जाएगा. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब जैसे कि विंटर्स हैं, वेडिंग्स भी हैं, और विंटर्स में अगर आप चाहते हो ना एक कोजी फील, फ्लीस फैब्रिक वाली लेगिंग, आई नो बहुत सारे लोग सर्च करते हैं फ्लीस फैब्रिक की लेगिंग, मैंने कम से कम 5 to 6 टाइम्स मंगवा के रिटर्न कर दी है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि क्वालिटी और फैब्रिक इतना ज़्यादा पुअर आ रहा था कि मैं अपने आप को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. इस बार मैंने जो ये लेगिंग मंगाई है फ्लीस फैब्रिक वाली, ये है शॉप ओलिका ब्रांड से. सबसे पहले आप देखो इसको फ्लीस फैब्रिक क्यों बोलते हैं, मैं इसके अंदर वाला फैब्रिक आपको दिखाती हूँ. ये देखो इसके अंदर ना फर वाला जो फैब्रिक होता है ना, थोड़ा सा जो वॉर्म होता है, ये वो वाले फैब्रिक के साथ है एंड आई लव इट. इसकी लेंथ, और इसको ना मैंने किसी फुटवेयर के साथ आपको ट्राई करके नहीं दिखाया, क्योंकि नीचे से ना इसके पैर इस तरीके से बंद है, जो बहुत ही ज़्यादा कोजी और कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं ना. मतलब आपको पता है ना कि वेलवेट या फिर वो आजकल जो फर वाले बाहर नाइट सूट्स वगैरह मिलते हैं, मतलब मुझे क्रेविंग रहती है कि लिटरली जब विंटर्स आए बस सिर्फ उसी चीज़ के लिए कि मैं वो ऐसे सॉफ्ट और कोजी फैब्रिक और वो आउटफिट पहनकर एंजॉय कर सकूँ. अगर वो आप थ्रू आउट पूरा दिन, चाहे आप ऑफिस में हो या फिर किसी ओकेजन पर गए हो, किसी पार्टी में गए हो, आप वहाँ भी वाला फील लेना चाहते हो ना, गो फॉर दिस फैब्रिक, दीज लेगिंग्स. ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है आपके ड्रेसेस के नीचे, स्कर्ट के नीचे, या कोई ऐसा आउटफिट पहना है जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत है, उस बॉम की ज़रूरत है, आप इसको ट्राई कर सकते हो. बहुत ही अच्छी क्वालिटी है. मैं इसका स्ट्रेच भी आपको दिखा दूँ. ये देखो सुपर्ब क्वालिटी. इसको पहनने के बाद इतना मज़ा आ रहा था कि पैरों के नीचे तक वो क्या बताऊँ, वो सॉफ्ट और वो गुलगुलू वाली फीलिंग रहती है. तो ये वाला तो 200% रिकमेंडेड, द शो स्टॉपर, गो फॉर इट गाइस, लव इट. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट स्कर्ट अगेन. अब देखिए इस तरीके से ना नेट वाली स्कर्ट मैंने बहुत देखी है इंटरनेट पे. इसका ना इलास्टिक मुझे लग रहा है थोड़ा सा और स्ट्रेची होना चाहिए था और ज़्यादा अच्छा लगता. रेड कलर में फुल मैश वाला जो नेट होता है, यहाँ पर गैदरिंग्स भी बहुत अच्छे से दी हुई हैं. फर्स्ट लेयर है ये नेट की, देन सेकेंड लेयर है, देन थर्ड लेयर पे इसका जो लाइनिंग है वो दिया हुआ है. घेर भी अच्छा खासा है और लेंथ भी अच्छी खासी है. अगर आप इस तरीके की मैश वाली स्कर्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हैं. मुझे इसकी ना लेंथ थोड़ी ज़्यादा लगी अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस. तो आप इसको नीचे से ना ट्रिम करवा सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है ट्राई करना चाहे तो. मूविंग टू द नेक्स्ट बॉटम. नेक्स्ट इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट इन दिस एंटायर हॉल, जॉर्जेट फ्लेयर्ड प्लाजोज. फ्लेयर्ड प्लाजोज बहुत होते हैं, बट क्रॉप टॉप एज अ क्रॉप टॉप के साथ अगर आप पहनना चाहो ना, तो आगे से वो कैमल टो बन जाता है या वो गैदरिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं, वो अच्छा ही नहीं लगता. तो हम प्लाजो तो ले लेते लेकिन टॉप्स के साथ उसको नहीं पहन सकते. बट ये वाला जो प्लाजो मैंने पहना, इसमें कोई कैमल टो नहीं है. फ्रंट पर इस तरीके से ना स्ट्रेट बेल्ट दी हुई है, इलास्टिक नहीं है, इस वजह से वो वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही है. इसका क्रॉच जो स्टिच है वो भी, जो लाइन होती है ना, वो काफ़ी नीचे तक है, इसीलिए वो इशू नहीं आता है. और ये फुल जॉर्जेट के साथ अंदर आपको लाइनिंग भी मिल रही है, और इसका एक सिंगल पैर का फ्लेयर देखो इतना खूबसूरत, इसका फॉल इतना बढ़िया आ रहा था. इवन जो मैंने इस वक्त कुर्ती डाली हुई है ना,
इसके नीचे भी मैं ये वाला प्लाजो पहन लूँ, बहुत ही कमाल की लुक आएगी। जब जॉर्जेट और इस टाइप का फैब्रिक होता है ना, जब आप चलते हो, क्योंकि इसका फॉल इतना प्यारा है ना, इतना अच्छा लगता है जब इसको किक करके चलोगे ना, इसका अलग ही मजा है। तो अगर आप जॉर्जेट में फ्लैट प्लाजो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ट्राई दिस आउट। इसमें और भी कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इसमें मैंने अपना साइज, रतन इज़ द ब्रांड, और मैंने इसमें आई थिंक लार्ज ही पिक किया है साइज़। इसमें और कलर ऑप्शन भी होंगे तो डेफिनेटली मैं भी खुद इसके और कलर भी ऑर्डर करूंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद आया। चलिए अगेन बढ़ते हैं नेक्स्ट लुक की तरफ। मेरा फेवरेट एंड द सेकेंड शो स्टॉपर इज दिस लेगिंग्स। अब देखो, शाइनी और ग्लॉसी लेगिंग, ये भी है ट्विन बर्ड ब्रांड का नाम है, ट्विन बर्ड्स, ठीक है। इसमें लिखा है फ्लाई एवरी डे। मैं अपनी जितनी भी पार्टी वेयर लेगिंग्स है, बिलीव मी, सारी चेंज करने वाली हूँ इस लेगिंग से। ऊपर आप बेल्ट देख लो, फ्रंट पर फ्लैट बेल्ट है, और नीचे इसका जो फैब्रिक है, आप शाइन देख रहे हो, कलर देख रहे हो, मतलब डुअल टोन है इसमें। और कोई भी पार्टी कुर्ती के नीचे आप इसको पहनो, चार चांद लगा देना है आपकी लुक में। प्लस इसका फैब्रिक ब्रीदेबल है, कंफर्टेबल है, स्ट्रेची है, बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसमें इतना साइज लार्ज पिक किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसके अंदर रेड, ग्रीन, येलो ये कलर्स तो डेफिनेटली मंगाने वाली हूँ, क्योंकि जब पार्टी वेयर कुर्ती पहन के आप रेडी तो हो जाते हो, बट नीचे अपनी नॉर्मल लेगिंग्स जब पहन लेते हैं ना, तो लुक बड़ी अजीब सी लगती है। जब लेगिंग थोड़ा बहुत भी दिखती है ना, तो वो नहीं जमता। अगर आप उसको हटा के इस टाइप की लेगिंग पहनोगे, ये बहुत स्मार्ट लग रही है। इवन अगर लूज शर्ट या लॉन्ग टॉप जो आपके हिप कवर करते हैं उनके साथ, जैसे मैंने पहना हुआ है, ऐसे किसी व्हाइट, अगर पिंक के साथ मैं आपको बता रही हूँ, व्हाइट हो, स्काई ब्लू हो, या फिर लाइट ग्रीन कलर का कोई ऐसा ब्रीजी टॉप हो, या फिर जो लूज शर्ट्स होती है ना, उसके साथ इस टाइप का लेगिंग, ये शाइन और ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ट्राई ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आई थिंक इस वीडियो का फाइनल लुक। अब फाइनल लुक के बारे में भी बता दूँ, बहुत सारे लोग ना लहंगाज नहीं खरीद सकते या लहंगा खरीदना नहीं चाहते, तो मैंने यहाँ पर जो ये लुक क्रिएट किए ना, ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से ही खरीदी है। इसका जो टॉप है, जो मैंने ब्लाउज पहना हुआ है, वो अमेजोन से है। साइजेस होंगे या नहीं आई डोंट नो, जो टॉप पहना है वो अमेजोन से है। आप कोई भी अपनी साड़ी का या फिर किसी कोई भी क्रॉप टॉप भी ले सकते हो। जो दुपट्टा लिया वो भी अमेजोन से है, और स्कर्ट तो अमेजोन से है ही। लहंगा स्कर्ट ये है हाँ, स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड से, और ये फ्री साइज में है आई थिंक, क्योंकि इसमें ना आई थिंक यस फ्री साइज, इसमें साइज मेंशन नहीं है, बट इस कार्ड पे लिखा हुआ है इट्स फ्री साइज। तो यहाँ पे बैक की तरफ इलास्टिक है, फ्रंट पर इस तरीके से बेल्ट मिलती है, और यहाँ पर ना एक बनारसी कली है, एक प्लेन कली है, एक बनारसी और एक प्लेन। इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी हैं, ये सिल्क सॉर्ट ऑफ फैब्रिक है, इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल रही है, और ये जो बनारसी वाला है ना, पूरा वूवन वाला बनारसी है। तो मैंने ये स्कर्ट पहनी, उसके ऊपर वो ब्लाउज पहन लिया, एंड दुपट्टे को ड्रेप कर लिया, पूरा लुक इतना कमाल का लग रहा था। और रोज़ेस लगा लिए, नकली वाले, आप असली भी लगा सकते हो। ये कंप्लीट लुक ना बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ट्राई नहीं कर सकते। ये वाली जो स्कर्ट है, वो आप अपने दूसरे कुर्तीज़ के नीचे पहन सकते हो, जब भी आप पार्टी वेयर में कोई भी ऑप्शन ऐसा चुनते हो। डिफरेंट आप कलर का ब्लाउज ले लो या टॉप ले लो, उसके साथ स्कर्ट को क्लब कर लो, दुपट्टा थोड़ा लाइट ले लो, या फिर नेट का दुपट्टा लगा लो, मतलब कस्टमाइज करने का ना आपके पास ऑप्शन है, कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो आज के लुक्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, और आज के बॉटम्स आपको कैसे लगे, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं ज़रूर मुझे कमेंट करना, और आपका फेवरेट वाला ज़रूर बताना। यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, ऑल योर लव, बाय।